वेलकम टू द कोच अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हमारे सर्किट थ्योरम का मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का हम इसमें वेरिफिकेशन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, किस तरह से एक सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। माना कि मेरे पास एक सर्किट है जिसमें वोल्टेज सोर्स VS है, रेजिस्टेंस है RS, इस सीरीज में लगा हुआ है, और मेरा लोड रेजिस्टेंस है RL। तो क्या कंडीशन होती है कि RL के अंदर मेरी जो पावर है वो मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसमें करंट निकालते हैं। करंट क्या है इस सर्किट का, करंट है I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज क्या है VS अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RS प्लस RL। किसी भी सर्किट में हमें पावर क्या होती है, पावर होती है I स्क्वायर R। तो हमारी पावर कितनी होगी, आई स्क्वायर तो हो गया मेरा वी स्क्वायर अपॉन आर एस प्लस आर एल इंटू आर एल, क्या है मेरा लोड रेजिस्टेंस, ये हो गया मेरा लोड रेजिस्टेंस, ये इसकी पावर हो गई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल इज इक्वल टू बी एस अपॉन आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर आर एल। अब देखो ये पावर को P मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमा करते हैं। मैक्सिमम मिनिमा करने के लिए हमें क्या करना होता था कि P मैक्स कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ता था और उसको इक्वेट करते थे हम जीरो से। तो बाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर एल एंड इक्वेटेड टू जीरो, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है और उसको फिर क्या करना है, तो ये हो जाएगा मेरा डी पी अपॉन आर एल रो आर एल इज इक्वल टू जीरो। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है अब हमारा, तो डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। ये मेरा कॉन्स्टेंट है VS, तो ये तो मेरा हो जाएगा बाहर VS स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरा आर एल अपॉन आर एस प्लस आर एल। इसका हो जाएगा मेरा स्क्वायर, ये मेरा स्क्वायर हो गया। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, क्योंकि ये मेरा पी है, इसका डिफरेंशिएशन जब मैं करता हूँ तो क्या होगा, ये कांस्टेंट मैंने बाहर ले लिया, ये मेरा डिनोमिनेटर है, ये मेरा न्यूमरेटर है। तो किस तरह से करते थे हम, पहले ये मान लिया मैंने फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा हो गया सेकेंड फंक्शन। तो डिवीजन में हम किस तरह से करते थे डिफरेंशिएशन, कि सबसे पहले तो हम करते थे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन RL का डिफरेंशिएशन RL की रेस्पेक्ट में क्या हो गया वन डॉट सेकेंड फंक्शन एज इट इज RS प्लस RL का होल स्क्वायर माइनस, फिर सेकेंड फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन तो हमारा हो गया RL और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा RL की रेस्पेक्ट में 2RS प्लस RL अपॉन सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर आर एस अपॉन आर एल का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद हम इसको आ गया और फर्दर सोल्व करते हैं, तो देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको हम खोलते हैं तो क्या आता है मेरा आर एस स्क्वायर प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस टू आर एस आर एल, और ये इन दो का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा हो गया टू आर एस आर एल और माइनस टू आर एल का स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस टू आर एस आर एल और माइनस टू आर एल का स्क्वायर अपॉन आर एस प्लस आर एल की पावर फोर, ये यहाँ फोर हो गई थी कि पावर फोर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसको हमने इक्वेट कर दिया जीरो। तो ये तो हमारा यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई होने पे जीरो हो जाएगा, और ये देखो ये प्लस टू आर एस आर एल है, ये माइनस टू आर एस आर एल है, तो ये कट जाएंगे। यहाँ बचा क्या मेरा आर एस स्क्वायर प्लस आर एल का स्क्वायर, और यहाँ माइनस टू आर एल का होल स्क्वायर है, तो इसमें से क्या बचेगा, माइनस का एक आर एल का स्क्वायर पॉजिटिव का है और माइनस टू आर एल का स्क्वायर दो नेगेटिव का है, तो इसमें से हमारा बचेगा माइनस आर एल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं आर एस का स्क्वायर माइनस आर एल का स्क्वायर अपॉन आर एस प्लस आर एल की पावर फोर इज इक्वल टू जीरो, मेरा आर एस माइनस आर एल स्क्वायर अपॉन आर एस प्लस आर एल की पावर फोर इक्वल टू जीरो। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो इससे क्या मिलेगा मुझे आर एस का स्क्वायर माइनस आर एल का स्क्वायर इक्वल टू जीरो।
तो ये हो गया आर एस इक्वल टू आर एल, यहाँ से हमारा सॉल्व होके आ गया आर एस इक्वल टू आर एल। आर एस इक्वल टू आर एल की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी पावर की मैक्सिमम। तो पी मैक्सिमम इक्वल टू बी एस अपॉन आर एल प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल था हमारा, ये हो जाएगा वी एस स्क्वायर और ये आर एल प्लस आर एल टू आर एल का होल स्क्वायर होगा फोर आर एल स्क्वायर। तो ये हो गया बी एस स्क्वायर अपॉन फोर आर एल का स्क्वायर इंटू आर एल, एक आर एल से एक कट जाएगा। तो ये आ गया पी मैक्सिमम बी एस स्क्वायर अपॉन फोर आर एल। तो ये हमारी मैक्सिमम पावर आ गई। तो मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन क्या आई थी, अगर हमारी आर एस की वैल्यू आर एल के इक्वल आ जाती है, मतलब कि अगर हमें इसमें मैक्सिमम पावर होने के लिए क्या कंडीशन है, आर एस इक्वल टू आर एल होना चाहिए, उसके बाद हमारी मैक्सिमम पावर हो जाएगी। और मेरी मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पावर हो जाएगी मेरी वी एस स्क्वायर अपॉन फोर आर एल। यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देता हूँ, पी मैक्सिमम इक्वल टू वी एस स्क्वायर अपॉन फोर आर एल, ये हमारी मैक्सिमम पावर निकल के आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।